तो हेलो गाइस, मैं हूँ आज एशिया टेलीकॉम की टीम से। आज है हमारा सॉफ्टवेयर क्लास का डे टू, जो जिसमें कि हम बताने वाले हैं सीपीयू और भी सीपीयू के बारे में। जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं, हम आगे चल के और भी सीपीयू के बारे में बताना चाहते हैं। और एक हमारे जो भी व्यूवर्स है या फिर जो भी हमारे वीडियो देखते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह के, उनके लिए एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि जैसा कि आप पहली वीडियो डल रही है, आप उसमें ही मतलब बोल रहे हो कि बाकी सीपीयू कहाँ है, ये कहाँ है, तो भैया समझ समझ के खाओ ना। आप क्या दिन भर सुबह शाम का खाना अलग अलग टाइम पे खाते हो ना, कि एक ही टाइम पे सारा खाना खा लेते हो? तो इसलिए हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, एक स्टेप होती है। और ऐसे टेलीकॉम ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में सारी चीज़ें ठोस देगा। एक बार में आपको, अगर आप हार्डवेयर क्लास में आते हो तो आपको लाइट भी पढ़ा देगा, आपका ऑडियो सेक्शन भी हो जाएगा, डिस्प्ले भी हो जाएगा, ग्राफिक्स भी हो जाएगा, सब एक एक चीज़ एक जगह नहीं हो सकता। सबके लिए एक डेडिकेटेड चीज़ देना पड़ती है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, और सबको मिलाएंगे ना तो कुछ आपको नॉलेज तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है और आप जीरो लेवल पे चल जाओगे। तो आप पूरा देखिए, आपको ऐसा तो नहीं बोला था मैंने कि जैसा एक ही पार्ट बनने वाला सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर के बनने वाले अलग अलग पार्ट्स और जिसमें कि आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाई जाएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो पहला सीपीयू है इधर, हाई सिलिकॉन का सीपीयू है। ये जो हाई सिलिकॉन का सीपीयू, ये यूज़ होता है हमारे होनर और हुआवे के फ़ोन में। हालांकि जो होनर का फ़ोन है वो तो अब ज़्यादा इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और हुआवे तो टोटली आउट ऑफ द स्टेशन है। मीन्स अपने इंडिया में तो यूज़ नहीं होता है, मेनली ये अदर कंट्रीज़ में यूज़ होने वाले फ़ोन है। तो फिर भी बाकी हम आपके उसके बारे में डिटेल बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोन नहीं है तो आपको डिटेल भी नहीं मिलेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आपको इमेज में दिख रहा है ये पहला टूल, यहाँ से हम जो टूल है ये डाउनलोड कर लेंगे। ये टूल को डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो में प्रोसीजर बताऊंगा। अभी आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ कि क्या क्या टूल होता है। तो आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, ये टूल है हमारा हुआवे स्मार्टफोन मल्टी सॉफ्टवेयर टूल। यहाँ पे सिंपली हमें जैसे ये टूल को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद फाइल एक्सट्रैक्ट करके टूल ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको फाइल सिलेक्ट करनी होती है जैसा कि एरो से मेंशन है। यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, देन ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे स्कैन एंड डाउनलोड पे क्लिक करना है। अगर आप पोर्ट बना लोगे तो यहाँ पे आपको पोर्ट शो हो जाएगा, देन आपकी फाइल ऐड होके डाउनलोड हो जाएगी। अब आ जाएंगे हम हमारे सेकंड सीपीयू पे, जो कि है एप्पल का सीपीयू। एप्पल एक्चुअली में सीपीयू को बायोनिक चिप के नाम से बोलता है, तो हमें सीपीयू को बायोनिक चिप के नाम से डिनोट करना है। ये टोटली आईओएस बेस्ड है। ये एक्चुअली में एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, बाकी इसमें हम आईओएस भी आपको देने वाले हैं, क्योंकि आपको शुरू में ही बोल दिया था कि ये प्रीमियम कोर्स लेने वाला, तो इसमें हम आईफोन भी प्रोवाइड कराएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा 3U टूल्स करके। ये 3U टूल्स बहुत मतलब जो मेनली यूज़ होने वाला एप्पल में सॉफ्टवेयर है, हमारे जो फ्लैशिंग होता है, सारा वर्क होता है, अपन इसमें चेक कर सकते हैं सारी फ़ोन की डिटेल, iOS वर्जन, हम लोग इसमें सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखते हैं, बहुत सारे फ्लैशिंग के ऑप्शंस है, मोबाइल में ट्रिगर करने वाले ऑपरेशंस है, iOS अपडेट स्टॉप कर सकते हैं, जिनके बारे में आगे आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ कि ये 3U टूल्स आता है, और एक iTunes आता है जो कि iTunes के थ्रू भी आप फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो एप्पल को। देन हमारे अगला पार्ट आता है इंटेल एटम। अब ये जो इंटेल एटम है, ये बहुत डाउन ग्रेड मतलब लो ग्रेड का सीपीयू है, जो आजकल मेनली तो यूज़ नहीं होता है। फिर भी अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये यूज़ होने वाला है ये जोलो फ़ोन में, जो कि हमारे इंडिया में तो शायद अवेलेबल नहीं है, बाकी फिर भी बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों को अभी मतलब नहीं बताएंगे तो कमेंट करेंगे वो कि आपने बताया नहीं सीपीयू के बारे में, तो इसके बारे में भी बताता हूँ। शायद कोई लोग तो जानते भी नहीं होंगे, देखा भी नहीं होगा किसी ने, तो बाकी फिर भी हम एज ए टेलीकॉम बताएगा आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फ़ोन में यूज़ होने वाला सीपीयू है, ये मतलब बहुत लो ग्रेड, मीन 3G फ़ोन में यूज़ होने वाला आई थिंक, एंड इसके स्पेस भी एकदम कुछ देखने लायक रहते नहीं है। आज के ज़माने में कौन ही यूज़ करेगा, एंड्रॉयड 4.0 पे बेस्ड है। तो इसके बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं दी है, बस ब्रीफली समझा है, क्योंकि आजकल ये फ़ोन यूज़ेबल नहीं है, और दो लोग वैसे भी हमारे इंडिया में तो कंपनी है नहीं, तो हमारे इंडियन यूज़र्स के लिए तो ये किसी काम का नहीं, यूज़लेस है। बाकी फिर भी आपको ब्रीफ में डिटेल हम बता देंगे। देन आता है ब्रॉडकॉम। ब्रॉडकॉम भी मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आउटडेटेड सीपीयू हो चुका है, अब बिल्कुल भी मेनली यूज़ में नहीं आता है। तो फिर भी मैं आपको उसके बारे में कुछ डिटेल बताऊँगा। अभी जो
ब्रॉडकॉम सीपीयू है वो सैमसंग के फ़ोनों में यूज़ होता है, वाई सीरीज़ के सैमसंग के जो ओल्ड फ़ोन आते थे जो मतलब हाफ कीपैड हाफ टच आते थे वाले फ़ोन में यूज़ होता है। और उसको अगर फ्लैश करना है तो आप सिंपली जो मेथड से डाउनलोड मोड पर ओडिन में फ्लैश करते तो ओडिन में फ्लैश कर सकते हो। जो एसी टेलीकॉम है वो प्रैक्टिकलिटी में ध्यान रखता है, ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में सारी चीज़ें वो करने वाला है कि एक बार में आपको सारी चीज़ें बता देगा। तो हम थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में करते हैं ताकि जो व्यूअर है वो मतलब बोर ना हो और एक बाय एक स्टेप बाय स्टेप हमारी चीज़ें सीखें। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि एक बार में हम सारी चीज़ें डाल देंगे। सारी चीज़ें डाल देंगे तो क्या होगा, एक आप ही एग्जाम्पल सोचिए कि आप जो दिन भर का खाना 3 टाइम में खाते हो, अगर आपको एक टाइम पर दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, खा पाओगे क्या, नहीं खा पाओगे। उसी तरह हमारा जो ब्रेन भी है, हमारा ब्रेन में भी है ना जो थोड़ी थोड़ी डिटेल डालना होती है और उसके बाद अपना ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, देन हमारे ब्रेन में रिमेंबर रहती है। अब मैं वीडियो में तो बना दूंगा, आधे घंटे की 1 घंटे की वीडियो बना दूंगा मैं आपको और उसमें सारी चीज़ें एक साथ ठूस दूंगा कि ये करना है ये करना है, और उसमें से आपको समझ में क्या आएगा, 0%। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का एक प्रोसीजर रहता है, एक प्रोटोकॉल रहता है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। इसलिए आज एशिया टेलीकॉम इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट है। आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर आप ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं एशिया टेलीकॉम से तो हम आपको जो स्किल है वो नेक्स्ट लेवल के देने वाले हैं, एकदम एक्सपर्ट लेवल के देने वाले हैं, और जो आप सोच भी नहीं सकते आपको वो वाला नॉलेज मिलने वाला है। आप सोचिए, हम जो फ्रेशर स्टूडेंट है मतलब जिसने ओनली मोबाइल का आज तक नट खोला है, चार्जिंग जैक चेंज किया है और स्क्रीन चेंज की है, उसके अलावा उनने आईसी को उठाया तक नहीं, इवन आईसी के बारे में नॉलेज नहीं है, हम उससे चौथे दिन में गारंटी एकदम हम पढ़ाते नहीं है मतलब टीचिंग नहीं कर देते, गाउनली गारंटी देते हैं कि गारंटी से आप चौथे दिन सीपीयू निकालोगे, और हम ऐसा मनी बैक गारंटी देते हैं, अगर चौथे दिन सीपीयू नहीं निकला तो आपकी फ़ीस वापस कर देंगे। ये जो गारंटी देने का लेवल है ये सिर्फ एशिया टेलीकॉम के पास है, जो इंडिया का मतलब नंबर वन ऐसा इंस्टीट्यूट है जो ऐसी गारंटी दे सकता है कि आप चौथे दिन अगर आप सीपीयू नहीं निकाल पाए तो आपकी फ़ीस आपको वापस दे दी जाएगी और आपको घर पहुँचा दिया जाएगा। तो मीन्स एशिया टेलीकॉम मीन्स ट्रस्ट होता है हमारे यहाँ। जैसे आप समझते हैं ना, कोई कोई इंस्टीट्यूट आजकल बहुत इंस्टीट्यूट हो गए हैं, चीप वाले इंस्टीट्यूट जो कम कम पैसों में पढ़ाते हैं। तो आप ही सोचिए कि जैसे एक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक एक तरफ आईफोन है मतलब आईफोन 15 प्रो मैक्स है, और एक तरफ है आपका आईफोन का क्लोन है। आईफोन का क्लोन आप समझते होंगे जो चाइनीज में बनता है, दिखते दोनों सेम है, बाकी आप लेते हमेशा आईफोन ही हो, क्लोन क्यों नहीं लेते। अगर क्लोन लेंगे तो उसमें कुछ चलेगा नहीं, क्लोन के अंदर क्या ही चलेगा, वो जस्ट ओपन करेंगे तो ग्लिच आएगा, फर्जी एप्पल लोगो आएगा, फिर कुछ चलेगा नहीं, कुछ चीज़ ओपन नहीं होगी, तो वो चीप रहता है। आप अब उसका भी क्लोन है, आप ऐसा उसमें क्यों नहीं सोचते कि मैं ये क्लोन ले लेता हूँ, मेरा सस्ते में काम हो जाता है, मेरे को सस्ते में मोबाइल दिख रहा है। आप आईफोन ही लेंगे ना, क्योंकि आप ज़्यादा पैसा ले रहे हैं तो आपको फीचर्स भी दे रहा है, सारी चीज़ें प्रोवाइड करा। तो इसी तरह ऐसे टेलीकॉम भी है दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग, ये है ना क्लोन नहीं है किसी चीज़ का, ये आपको फर्जी चीज़ें नहीं दे रहा है, आपको ऐसा बोल के आपको एक्सपर्ट बना देंगे और आपको यहाँ पे बुला के टाइम पास नहीं करा रहा है। ऐसे टेलीकॉम एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सेम डे प्रैक्टिकल करा के देता है और गारंटी भी देता है। जैसे हमारी थ्योरी क्लास होती है सुबह, तो सुबह जैसे थ्योरी क्लास होगी ना वैसे ही उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी चालू हो गए, और प्रैक्टिकल भी ऐसा नहीं कि आपको मतलब 2-3 घंटे प्रैक्टिकल करा लिए फिर बोल दिया घर चले जाओ हॉस्टल चले जाओ और रेस्ट करो। हमारी ऐसा है कि जो क्लास होती है हमारी 14 घंटे की क्लास होती है, और बैक टू बैक क्लास होती है। जैसे थ्योरी क्लास हुई फिर आपको मतलब थ्योरी क्लास के बाद जो भी ब्रेक रहता है हमारा खाने का, और उसके बाद जस्ट थ्योरी क्लास के बाद जस्ट आपके प्रैक्टिकल चालू हो जाते हैं। वो प्रैक्टिकल भी ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल भी आपको उसके अंदर एक टीचर रहेगा, ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिकल के लिए छोड़ दिया है, आप लैब में बैठे हुए हो और आपकी बातें चल रही है कुछ भी कर रहा है, एक डेडिकेटेड टीचर रहता है, एक्सपर्ट टीचर रहता है जो इंडिया का सबसे नंबर वन टीचर है, वो टीचर आपके पास रहेगा जो आपको प्रैक्टिकल कराएगा, जो आपने थ्योरी में आज पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल लाइव करके देखोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे और उसको अच्छा सा अपनी स्किल में लाओगे, और जब जाके आपको आउटपुट मिलता है। ऐसा अब क्योंकि हमें नंबर वन रहना है, हमें एप्पल रहना है, हमें क्लोन नहीं बनना ना, इसलिए हम ओरिजिनल है, ओरिजिनल बन के रहते हैं। तो इसलिए हमारी फीस भी जो है वो है, और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो प्रोवाइड करता है आपको मैस और जो रहने का रहता है आपको रेसिडेंशियल और मैश दोनों फ्री देता है। अब जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, आप जैसे बड़े बड़े जगह पे जा रहे हो, आप इससे जितना कि फीस नहीं दे रहे हो उससे ज़्यादा आप रहने खाने में खर्च कर देते हो। ऐसे टेलीकॉम आपको वो चीज़ें भी एब्सोल्युटली फ्री दे रहा है, और अभी के जो बैच है, अभी जो लेटेस्ट बैच हमारी आने वाली है
28 जून की गिफ्ट समझ सकते हैं आपके लिए। एक ऑफर एशिया टेलीकॉम निकाल रहा है एक्सक्लूसिव फॉर 28 जून के स्टूडेंट के लिए। आपको आईफोन का जो कोर्स है ना, प्रीमियम कोर्स है ना, वो एब्सोल्युटली फ्री देने वाले हैं। और ये सिर्फ 28 जून के बैच के लिए रहने वाला है। जो प्रीमियम कोर्स है, जो हमारा कोर्स है 20-25 हज़ार रुपये का, वो हम आपको एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं। क्योंकि एशिया टेलीकॉम सोचता है अपने स्टूडेंट के बारे में कि स्टूडेंट इतना दे के आ रहा है, तो हमें भी कुछ उसको इनकरेज करने के लिए कुछ देना चाहिए। और एशिया टेलीकॉम देने वाला है हमारे सारे स्टूडेंट के लिए एक धमाकेदार 5G अपडेट। जैसे आप पढ़ के जाएंगे, आपको जो प्रोटोकॉल रहता है वो फॉलो करना है। फिर उसके बाद आपको 3 महीने बाद 5G का अपडेट मिलता है, जिसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल बाय डिटेल दी जाती है, जो हमारे एशिया टेलीकॉम के ऑफिशियल ऐप से रहने वाला है। तो आपको उसका कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, आपको सारे अपडेट्स आपको ऐप में मिल जाएंगे। जैसे कुछ भी आप जैसे पढ़ के चले गए, आपको कुछ अपडेट्स चाहिए, तो आपको जो भी अपडेट्स है वो ऐप पे रेगुलरली मिलता रहेगा। हमारी ऐप अभी कंस्ट्रक्शन में है, जैसे ही हमारी ऐप रिलीज़ हो जाएगी तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ऐप प्रोवाइड कर दी जाएगी। और एशिया टेलीकॉम ऐसा नहीं है कि एक बार आ गए आप स्टूडेंट आ गए तो आपको बोल दिया हाँ भैया आ गए पढ़ा दिया, और फिर जाने के बाद ऐसा बोल दिया कि जाओ भैया आप घर जाओ। एशिया टेलीकॉम देता है आपको लाइफ टाइम का बैकअप सपोर्ट। साल में 24 बार आ सकते हो आप, जो भी प्रॉब्लम है, बस जस्ट प्रॉब्लम है, आपको डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, हम ऐप के सारा सपोर्ट तो देते ही देते हैं, कॉलिंग सपोर्ट तो देते ही देते हैं, और अपडेट क्लास का सपोर्ट भी देते हैं। आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है, आप कुछ मत कीजिए, आप सीधे अपना टिकट बुक करिए और आ जाइए एशिया टेलीकॉम में। आपको बैक टू बैक सॉल्यूशन दिया जाएगा और एंडलेस सॉल्यूशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बैकअप के स्टूडेंट है तो आपको बिठा के रख रहे हैं, कर रहे हैं, आपको डेडिकेटेड टीचर देगा आपकी क्लास में और आपको सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 7000731192 MD सर को। और ये जो स्पेशल ऑफर है आईफोन स्पेशल कोर्स का, ये आपको यही मंथ में मिलने वाला है, अदरवाइज आप अगले मंथ आओगे तो आपको ये ऑफर नहीं मिल पाएगा। तो जल्द से जल्द आए और ये बैच ज्वाइन करें। थैंक यू टीम एशिया टेलीकॉम।